अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द एंटीरोपनिस्टा, पेटीरोपनिस्टा एंड प्लेक्टो स्फायरॉइडिया। और ये है क्या है, ये जो है ये हमारे पास जो है हेमिकॉर्डेटा की डिफरेंट्स क्लासेस हैं, उसके हम आज जो है वो डिस्कस करें। और अगर हम इसे डिस्कस करें तो सबसे पहले जो एंटीरोपनिस्टा है उसकी स्पीशीज़ कितनी है। एंटीरोपनिस्टा की जो स्पीशीज़ है वो 70 है, बल्कि जो पटीरोपनिस्टा पटीरोप्रैंकिया है उसकी जो स्पीशीज है वो हमारे पास जो है वो 20 स्पीशीज़ है। और प्लैंटो स्फेरॉइडा की जो स्पीशीज़ है वो हमारे पास एक स्पीशीज़ है। और अगर हम इसकी शेप की बात करें तो जो एंटीरोपनिस्टा होते हैं वो हमारे पास वो है हमारे पास वॉर्म लाइक होते हैं, और जो पटीरोप्रैंकिया हैं वो हमारे पास इस शेप में होते हैं, और जो हमारे पास प्लैंटो स्फेरॉइडा है वो हमारे पास स्फेरिकल शेप में, और इसके साथ जो है ये सीलिया जो होते हैं और इनका यू जो है वो डिजेस्टिव सिस्टम होता है। और अगर हम इसके साइज की बात करें तो इसके साइज़ में ये जो है ये 10 से लेकर 40 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये 20 मीटर्स तक हो सकते हैं। और ये जो है पटीरोप्रैंकिया ये 0.1 माइनस से लेकर 5 मिलीमीटर तक। और अगर हम मिलीमीटर की बात करें तो मिलीमीटर हमारे पास 10^-3 होता है, और सेंटी की बात करें तो सेंटी 10^-2 होता है। तो माइनस में जो भी वैल्यू जितनी भी ज़्यादा बड़ी होती जाती है वो उतनी ही छोटी होती है, यानी पटीरोप्रैंकिया का साइज़ एज़ कम्पेयर टू एंटीरोपनिस्टा जो है वो कम है। और अगर हम प्लैंक्टोस्फेरॉइडा की बात करें तो उसका साइज़ है वो 1 मिलीमीटर तक होता है। और अगर हम इसकी हैबिटेट की बात करें तो कहाँ रहते हैं एंटीरोपनिस्टा जो है वो बरोज के अंदर रहते हैं, और ये जो है ये इन एक्सटर्नली इनकेस्टमेंट्स इन्होंने बनाई होते हैं, ये उसके अंदर जो हम पटीरोप्रैंकिया रहते हैं। और अगर हम प्लैंक्टोस्फेरॉइडा की बात करें तो ये प्लैंकटोनिक होते हैं, ये मेरी वाटर में रहते हैं, मेन वाटर में ज़्यादातर हम कह सकते हैं। और अगर हम लार्वा की बात करें तो जो एंटीरोपनिस्टा का लार्वा है उसका हम टॉर्नेरिया बोलते हैं, और जो पटीरोप्रैंकिया का लार्वा उसे हम प्लैनुला बोलते हैं। और अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करें तो एंटीरोपनिस्टा की जो एग्जाम्पल है वो है बिलेनोग्लोसिस, और जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है सेकोग्लोसिस। और पटीरोप्रैंकिया की जो एग्जाम्पल है वो है रेबडोप्लेरा, और जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है ऑटोबेरिया। और जो प्लैंक्टोस्फेरॉइडा की जो एग्जाम्पल है वो है प्लैंक्टोस्फेरोपेलीजिया, तो प्लैंक्टोस्फेरॉइडा और पेलीजैका इसकी। और अगर हम इस एग्जाम्पल की पिक्चर देखते हैं, ये बिलेनोग्लोसिस है हमारे पास, ये रेबडोब्लोरा है हमारे पास, और ये थर्ड वन प्लैंक्टोस्फेरॉइडा पेलीजैका है हमारे पास, पेलीजैका इसकी एग्जांपल है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।